हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिक टिक एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने टिक टिक एप्लीकेशन पे मैंने कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था टिक टिक एप्लीकेशन 10 जून को अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ था। फाइनली टिक टिक एप्लीकेशन को 12 जून को अपडेट कर दिया गया, लेकिन अपडेट करने के बावजूद भी कुछ लोगों का ये कहना है टिक टिक एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर टिक टिक एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है। जब आप टिक टिक एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको होम पेज पे जो वीडियो दिखाता है वो भी वीडियो शो नहीं कर रहा है। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले थे टिक टिक एप्लीकेशन के बारे में। ये टिक टिक एप्लीकेशन पूरी तरह से वर्क क्यों नहीं कर रहा है? यदि आप टिक टिक एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो कुछ लोगों को यहाँ पे टिक टिक एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे वो अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आता है। अकाउंट यहाँ पे बिल्कुल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद ये जो वीडियो है पब्लिक के पास नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल में टिक टिक एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द आप लोगों को सोल्व कर दिया जाएगा। और कुछ लोगों का ऐसा है जो टिक टिक एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो डायरेक्ट उसको सर्वर एरर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, टिक टिक एप्लीकेशन लॉगिन नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है टिक टिक एप्लीकेशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने के कारण ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर टिक टिक एप्लीकेशन के प्रॉब्लम को पूरी तरह से फिक्स नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों को धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा और टिक टिक एप्लीकेशन में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं सारे के सारे आपको धीरे धीरे अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल में अभी टिक टिक एप्लीकेशन पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फिलहाल में टिक टिक एप्लीकेशन यदि आप यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल फ़ोन में टिक टिक एप्लीकेशन इंस्टॉल है उस मोबाइल फ़ोन से आप पर्सनली यूज करते हैं, उसमें बैंक अकाउंट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया या फिर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन में टिक टिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए। या फिर आपके मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा है जिसमें मोबाइल फ़ोन में आप टिक टिक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लाइव प्रूफ के साथ नहीं कर सकते ये टिक टिक एप्लीकेशन जो है रियल है या फिर फेक है। क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले भी मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, मित्रो नायक के बारे में, जो कि एक फ्रॉड ऐप निकला था जिसे प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दिया गया, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे टिक टिक एप्लीकेशन अपडेट कर रहा है, लेकिन कब तक पूरी तरह से प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा ये अभी पता नहीं चला है। जैसे ही टिक टिक एप्लीकेशन को प्रॉब्लम को प्रॉपर फिक्स कर दिया जाएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।